दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। दोस्तों ये एक सिद्ध पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में भगवान शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर अवस्थित है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावणी मेला यहाँ पर लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। दोस्तों इस लिंग की स्थापना का इतिहास ये है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की थी और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10वें सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। दोस्तों रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने उसे ये अनुमति दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख दिया जाएगा तो ये शिवलिंग अचल हो जाएगा। अंततो गत्वा वही हुआ, रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक चिताभूमि आने पर उसे लघु शंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक व्यक्ति को थमाकर लघु शंका निवृत्ति करने चला गया। इधर उन व्यक्ति ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव करके भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गए। जनश्रुति व लोक मान्यता के अनुसार ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। दोस्तों देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का निवास स्थान। देवघर में बाबा भोलेनाथ का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर अवस्थित है। हर साल सावन के महीने में श्रावण मेला यहाँ पर लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। मंदिर के समीप ही एक विशाल तालाब भी अवस्थित है। बाबा वैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास अनेक अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर माँ पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों वैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थयात्री बिहार के भागलपुर में अवस्थित सुल्तानगंज में एकत्र होते हैं, जहां वो अपने अपने पात्रों में पवित्र गंगा जल को भरते हैं। इसके बाद वे गंगा जल को अपनी अपनी कावर में रखकर वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो पात्र जिसमें जल है वो कभी भी भूमि से ना सटे। दोस्तों बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी हैं। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किसी जमाने में करवाया था। प्रत्येक मंदिर में भगवान शिव का लिंग स्थापित है। दोस्तों चलिए अब आपको मैं बतलाता हूँ वासुकीनाथ मंदिर के बारे में। दोस्तों वासुकीनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वासुकीनाथ में दर्शन नहीं किए जाते हैं।
ये मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास अवस्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नोनीहाट के घाटवाल से जोड़ा जाता है। वासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा इस चैनल पर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।